आप सभी को जैसे कि पता है कि दिल्ली में कर्फ्यू लगा हुआ है ड्यू टू ओमनी, जो एक कोरोना का वायरस है, जिसकी वजह से सैटरडे और संडे में 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया है। तो एक लाइव वीडियो के साथ आप सभी के लिए एक खास अपडेशन, क्योंकि मैं अभी फिलहाल इधर के एरिया में किसी के पास आया हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो जरूर आप तक शेयर करें कि आखिर दिल्ली में आज कितना लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, वाकई में लोग दिख रहे हैं या नहीं, दुकानें खुली हैं या नहीं, सारी चीजें इसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए एक बार फिर जोरदार स्वागत है आप सभी का और वेलकम बैक, और जो पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे प्रॉपर्टी ड्रीम्स में, तो चलिए मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक, एक बार फिर जोरदार स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रॉपर्टी ड्रीम्स में। आज मैं आपको, जैसा कि आपको पता है, कर्फ्यू लगा हुआ है दिल्ली में 2 दिन के लिए। जी हाँ, शनिवार का दिन है 8 जनवरी 2022। तो मैं आप सभी के लिए अपडेशन लेके आया हूँ, ये जो कर्फ्यू लगा है ये वाकई में कितना पाबंदियाँ हैं, क्या लोग आपको रोड पे दिखाई दे रहे हैं या नहीं, तो ये भी मैं आपको अपडेशन दूंगा। साथ में मार्केट का क्या हाल है, तो चलिए थोड़ा सा, मैं कहीं रिलेटिव्स में किसी के पास आया था तो मैंने सोचा आपको अपडेशन जरूर दे दें एक खास वीडियो की। तो चलिए आप देखते चलिए, रोड पे तो वैसे लोग चलते हुए दिखाई दे नहीं रहे, ये आप देख सकते हैं, कहीं पे भी कोई दुकान नहीं खुली, सारी दुकानें बंद हैं, पर हाँ खाने की दुकानें खुली हुई हैं, आप देख सकते हैं। पर ऑन एन एवरेज दुकानें बंद करी गई हैं, आप देखेंगे कहीं पे भी आपको कोई भी दुकान खुली दिखाई नहीं देगी, ड्यू टू कर्फ्यू सब कुछ बंद है, आप देख सकते हैं कर्फ्यू की वजह से सब कुछ बंद किया गया है। लेकिन आपको रोड पे दुकानें चलती हुई दिखाई नहीं देंगी, ये आप देख लीजिए। पेट्रोल पंप्स खुले हैं, पब्लिक है जरूर ट्रैफिक पे, रोड पे आइए। अभी आप पास में एक जो मार्केट है, मैं उसका हाल आपको दिखाता हूं कि वहां पे जो पास में एक मार्केट है, बहुत जल्द हम पहुंचने वाले हैं, मैं आपको उधर का हाल थोड़ा सा दिखा देता हूं। ट्रैफिक अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है मार्केट का रोड पे, और मार्केट से मैंने आपको बता ही दी बंद है सारी, पेट्रोल पंप सीएनजी पंप्स खुले हुए हैं। और जो ट्रैफिक मूवमेंट की बात करें तो ट्रैफिक मूवमेंट ऑलमोस्ट कम है, आपको पता है कोरोना जो नया वेरिएंट आया है उसकी वजह से कर्फ्यू 2 दिन का लगाया गया है, सैटरडे और संडे का। देख सकते हैं जो इमरजेंसी चीजों की ही दुकानें हैं, मींस खाने की और वो सब है, बस वो ही दुकानें खोली गई हैं, अदरवाइज टोटली मार्केट कंप्लीटली शट डाउन है। रोड पे बहुत कम लोग दिखाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं, चलते हुए बहुत कम ही लोग हैं जो आपको मिलेंगे, आप ये देख लीजिए। चलिए मार्केट आप देखिए, सारा मार्केट पूरा बंद हो रखा है। अब हम अंदर चलते हैं, एक बार अंदर भी मार्केट का थोड़ा हाल आपको मैं दिखाता हूँ कि वाकई में मार्केट कुछ खुला है या नहीं, ये जो कर्फ्यू लगाया गया है लोग इसका पालन कर रहे हैं या नहीं, ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
वैसे देखिए मार्केट तो टोटली बंद है और लोग अब समझदार हो चुके हैं, क्योंकि जो सेकंड वेव आई थी वो बहुत ही जानलेवा वेव थी और हर एक घर से हर परिवार के दो रिश्तेदारों में ज़रूर किसी ना किसी ने, हर एक इंसान ने अपने नज़दीकी किसी ना किसी को खोया है। तो सब प्रिकॉशंस के साथ चल रहे हैं, सिर्फ सामान जो है ज़रूरत का आपको लेने के लिए लोग आए हैं, बाकी सब कुछ बंद पड़ा है। आप देख सकते हैं इस वक्त आपको नहीं मिलेगी कोई भी, अगर आप दुकान की बात करें तो सब कुछ बंद पड़ा है। ये आप देख लीजिए मार्केट, तो मुझे कहीं पे कोई दुकान खुली हुई दिखाई दे नहीं रही, सिर्फ जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, मतलब आपके जो खान पीने की जो इमरजेंसी चीज़ें की सुविधाएं हैं सिर्फ उसी के लिए दुकान खोली गई है, बाकी ओवरऑल मार्केट बंद है। आप देख लीजिए सारी मार्केट इस वक्त बंद करी गई है, सिर्फ इमरजेंसी की सेवाएं, आप देख सकते हैं सिर्फ इमरजेंसी की सेवाएं खुली हुई दिखाई दे रही हैं, बाकी सब कुछ अभी बंद पड़ा है। लोग आपको मार्केट में दिखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपना जो इमरजेंसी डेली यूज की जो चीजें हैं सिर्फ वो लेते हुए दिखाई देंगे, बाकी एज सच कोई मार्केट में कोई हलचल नहीं है। कर्फ्यू का लोग पालन कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। देख लीजिए आप ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद पड़ी हैं, लेकिन बहुत ही लिमिटेड लोग अपने दिनचर्या का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मार्केट ओवरऑल बंद है। देख सक लीजिए बस कुछ लोगों ने अपनी छोटी मोटी दुकानें खोली हैं, लेकिन कर्फ्यू का सब पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप मैं भार रोड पे आ गया हूँ, भार की जो रोड है उसको अब हम कवर करेंगे। आप देख सकते हैं क्या कोई मार्केट में आपको हलचल दिखती है दिखाई दे रही है, सिर्फ इमरजेंसी की चीजें और दूध जो आपका जनरल आइटम्स है, केमिस्ट, यही सिर्फ दुकानें खुली हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन बाकी की जितनी दुकानें हैं सब इस वक्त बंद हैं। आप ये देख सकते हैं ओवरऑल मार्केट पूरा बंद है दिल्ली में। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऑन एन एवरेज इंसान को पैर रखने की भी जगह नहीं दिखाई देती, लेकिन आज कुछ ऐसा हलचल है कि पूरा सन्नाटा छाया हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ कर्फ्यू लॉकडाउन। तो आइए आपको और मैं थोड़ा सा झलक दिखाता हूँ कर्फ्यू के दौरान कैसा माहौल दिख रहा है दिल्ली में। बहुत कम लोग हैं जो रोड पे दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग आपको दिखाई देंगे जो लोगों को अपनी ज़रूरत का सामान लेना है वो मार्केट में ज़रूर निकले हुए हैं, बाकी तो सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा दिखाई देगा।
देख लीजिए आप सारी मार्केट ओवरऑल बंद है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको दिखाई देगा तो गरीब इंसान जिसको जरूरत है अपने सर छुपाने की, अपने रोज दिनचर्या का पूरा पालन करने का, क्योंकि वो घर बैठ के अपना गुजारा नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ वही लोग आपको रोड पे जनाब दिखाई देंगे। सारी की सारी खाली पड़ी है, ओवरऑल सुनसानियत का माहौल बना हुआ है। कहीं पे भी किसी तरीके की कोई हलचल नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ लिमिटेड ट्रैफिक रोड पे चलता हुआ दिखाई देगा आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी ड्रीम्स। अगर वीडियो पसंद आई तो उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप अपने चाहने वालों तक, अगर आपको लगता है कि कोई किसी को दिखाना चाहते हैं कि दिल्ली में किस तरीके का हाल है, कोई इमरजेंसी में इधर ना आए क्योंकि इस वक्त सारा मैक्सिमम बंद है, तो चलिए बहुत जल्द मिलूंगा एक खास नई वीडियो के साथ। गुड बाय, धन्यवाद।